चलिए बात करते हैं तेजस्वी यादव और बिहार की राजनीति की। तेजस्वी यादव चार्ज शीटेड हैं, तेजस्वी यादव पर आरोप लगे हैं। इसके बावजूद तेजस्वी यादव भारी क्यों पड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर? भारतीय जनता पार्टी बार बार तेजस्वी यादव का इस्तीफा मांग रही है, वो तेजस्वी यादव की इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। लैंड फॉर जॉब स्कैम में तेजस्वी यादव का नाम चार्जशीट में आया है। भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि जब तक तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं देंगे हम सदन नहीं चलने देंगे, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव बीजेपी पर भारी पड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी फौज है बिहार में और भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार में ही सबसे ज़्यादा सहयोगी हैं। चिराग पासवान उनके सहयोगी, पशुपति कुमार पारस उनके सहयोगी, जीतन राम मांझी उनके सहयोगी, उपेंद्र कुशवाहा उनके सहयोगी। इसके बावजूद तेजस्वी यादव उन पर भारी हैं। पता है क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास इतना नैतिक साहस नहीं है, नैतिक बल नहीं है कि वो तेजस्वी यादव से सिर्फ इस आधार पर इस्तीफा मांग सके कि तेजस्वी यादव चार्जशीटेड है। क्योंकि जिनके घर खुद के घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद और भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा रही है, भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आकंठ में डूबी हुई है भारतीय जनता पार्टी। लिहाजा नैतिक बल नहीं है उनके अंदर, और जब नैतिक बल नहीं होता है तो व्यक्ति या पार्टी संगठन कमज़ोर पड़ने लगता है। तेजस्वी यादव के पास जो भी आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, तेजस्वी यादव के पास तमाम आरोपों के जवाब है। तेजस्वी यादव चुन चुन कर एक एक सवाल का जवाब देते हैं। देखिए ना, अभी तो बृजभूषण शरण सिंह के मैटर को हम कैसे भूल सकते हैं। पूरा देश उस मैटर को जानता है कि किस तरीके से महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप भारतीय जनता पार्टी के सांसद पर लगाए। कैसरगंज उत्तर प्रदेश से सांसद हैं बृजभूषण शरण सिंह, चार्जशीटेड वो भी हैं, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में हैं, और चार्जशीट में जो उनके बारे में कहा गया है वो सुनकर शर्मसार हो जाएंगे आप। एक इंसान होने के नाते दिल्ली पुलिस कहती है कि जो सांसद ने जो कुकर्म किए हैं बृजभूषण शरण सिंह ने, उसके लिए वो सजा के हकदार हैं। जी हाँ, तो क्या बीजेपी अपने सांसद से इस्तीफा दिलवा रही है क्या? महाराष्ट्र में जिस तरीके से जो सरकार बनी, अजीत पवार, छगन भुजबल, हसन मुशरिफ, ईमानदारी के देवता हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों को अपनी सरकार में डेप्यूटी सीएम, बड़ा मंत्रालय, और अजीत पवार जैसे व्यक्ति को कौन कौन से विभाग दिए गए वो आपके सामने हैं। जब बीजेपी में कोई नहीं होता है तो वो भ्रष्टाचारी हो जाता है, और बीजेपी नहीं हुआ वो एक वॉशिंग पाउडर हो गया। तेजस्वी यादव खुद आरोप लगा रहे, सोशल मीडिया पर जाइए, लोग अब भारतीय जनता पार्टी को इस लायक नहीं मान रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर सवाल उठाएं। शरद पवार के परिवार को आप टिकट देते हैं, शरद पवार के परिवार को आप डेप्यूटी सीएम बनाते हैं अपनी पार्टी की सरकार में, चिराग पासवान आपके साथ हैं, पशुपति कुमार पारस आपके साथ हैं, प्रिंस राज आपके साथ हैं, जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष कुमार सुमन आपके साथ हैं, क्या वो परिवारवाद नहीं? परिवारवाद सिर्फ कांग्रेस, राजद या दूसरे दलों पर ही आप आरोप लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव पर आप कितना भी आरोप लगा लें, जनता बीजेपी पर भरोसा करने को तैयार नहीं है, और यह वजह है कि तेजस्वी यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ते जा रहे हैं। और जो स्थिति है, चिराग पासवान को आज निमंत्रण भेजा गया एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए, वो भी रामविलास पासवान के बेटे हैं। क्या चिराग पासवान परिवारवाद की राजनीति के प्रतीक नहीं है? यह जवाब तो देना पड़ेगा। शुभेंदु अधिकारी की बात कर लीजिए, हिमांता बिस्वा शर्मा की बात कर लीजिए, खूब आरोप और बहुत सारे आरोप ये लोग लगाया करते थे। आज आरोपों की स्थिति क्या है? भारतीय जनता पार्टी में क्या साहस है, नैतिक बल है कि वो तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांग सके इस आधार पर? यही वजह कि तेजस्वी यादव भारी पड़ रहे हैं, भारी पड़ते रहेंगे, क्योंकि आप लोगों पर, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी पर, जनता इन मुद्दों पर, खासतौर पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर अब विश्वास करने को तैयार नहीं है। और लोग कह रहे हैं कि जिनके खुद के घर में अजीत पवार हों, जिनके खुद के घर में बृजभूषण शरण सिंह हों, और जिनके खुद के घर में चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस, प्रिंस राज हों, वो दूसरों को भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर प्रवचन नहीं दिया करते और इस्तीफा नहीं मांगा करते। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा। धन्यवाद।